डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बाय एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है फिश थ्योरी एंड फार्मिंग इन लोकस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकस्ट की लाइफ साइकिल और के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोकस्ट की फेज, जो उसके लाइफ साइकिल में जो दो फेज होते हैं, सोलिटरी फेज और ग्रेगेरियस फेज, उनके बारे में स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे कि फार्मिंग जो है वो किस फेज में होती है। लोकस्ट एंड ग्रास होपर्स आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम क्रिएचर। कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लोकस्ट और जो ग्रास होपर्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये दोनों ही जो फॉर्म हैं वो एक ही एनिमल की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं, दो अलग अलग ये फेजेस होते हैं। स्वार्मिंग ग्रास हॉपर्स आर कॉल्ड लोकस्ट। ये देखिए, यो ये लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, स्वार्मिंग ग्रास हॉपर्स आर कॉल्ड लोकस्ट। जब लोकस्ट, जब ग्रास हॉपर में स्वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम फिर लोकस्ट कहते हैं। यानी स्वार्मिंग की जो जो फिनोमेना है वो लोकस्ट के अंदर होता है, ग्रास हॉपर में स्वार्मिंग नहीं होती है। ग्रास हॉपर जो होते हैं वो सॉलिटरी लाइफ स्पेंड करते हैं, जबकि जो लोकस्ट होते हैं वो समूह में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और ये ग्रेगेरियस जो है फॉर्म होती है, और लोकस्ट जो फेज है उसी में जो है स्वार्मिंग भी होती है। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर्स नोन टू साइंस और द वर्ल्ड। ग्रास हॉपर्स की लगभग 20,000 प्रजातियां जो हैं पूरे वर्ल्ड में ज्ञात हैं, बट ओनली अबाउट ए डजन ऑफ दी ट्रांसफॉर्म इनटू लोकस्ट एंड प्रोड्यूस डैमेजिंग स्वार्म्स। लेकिन इसमें से केवल 10 या 15 जो स्पेसीज हैं ग्रास हॉपर्स की वो लोकस्ट में चेंज होती हैं और फिर वो स्वार्मिंग का जो फिनोमेना है उसको भी एग्जिबिट करती हैं। और ये जो लोकस्ट की जो जो लोकस्ट जो फेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक डैमेजिंग नेचर इसकी देखी गई है। यूजली शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स आर नोन एज लोकस्ट। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसे ग्रास हॉपर जिनके जो एंटीना जो है शॉर्ट होते हैं उनको हम लोकस्ट के नाम से जानते हैं। लोकस्ट एंड ग्रास हॉपर आर द सेम क्रिएचर बट टू डिफरेंट फॉर्म्स। वेन द सॉलिटरी नेचर ऑफ ग्रास हॉपर चेंजेस टू ग्रेगेरियस नेचर देन इट इज नोन एज लोकस्ट। है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि जब ग्रास हॉपर की जो सॉलिटरी नेचर है जब वो ग्रेगेरियस नेचर में चेंज हो जाती है तो फिर इसको हम लोकस्ट के नाम से जानते हैं। वेन लोकस्ट फ्लाई इन ग्रुप नोन एज स्वार्मिंग। और जब लोकस्ट जो है जैसे मैंने बताया समूहों में ये रहते हैं, ग्रुप्स में ये रहते हैं, और जब एक साथ जो है फ्लाइट करते हैं तो उसको हम स्वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यूजली वन स्वार्म कंटेन्स बिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स पर स्क्वायर किलोमीटर विच हैज द कैपेसिटी टू ईट एवरीथिंग दैट फॉल्स इन इट्स फ्लाइट पाथ। स्वार्मिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो पूरा ग्रुप जो है फ्लाइट करता है उसमें जो है बिलियंस ऑफ इंसेक्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकस्ट की तो इसमें बिलियंस अरबों की संख्या में जो है लोकस्ट जो है वो उसमें मौजूद रहते हैं, और कभी कभी तो पूरे ये आसमान को जो है कवर कर लेते हैं, और जो भी इनके रास्ते में जो भी क्रॉप वगैरह आती है उसको ये बहुत जल्दी जो है ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टाइप्स ऑफ स्वार्मिंग की बात करें, स्वार्मिंग कितने प्रकार की होती है, तो देखिए सबसे पहले इसमें है आउटब्रेक। इट अकर्स इन स्मॉल पैकेट्स इन लोकल एरियाज। इस प्रकार की स्वार्मिंग में जो है जो लोकस्ट होते हैं वो एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करते हैं, और ये जो है लोकल एरिया जो है वहीं तक ये कन्फाइंड रहती है इनकी फ्लाइट। दूसरा देखिए टाइप जो है वो अपसर्ज है, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बट इन जियोग्राफिकली कन्फाइंड एरिया। इसमें जो है लोकस्ट की या जो अदर जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है,
लेकिन ये भी एक जो है निश्चित एरिया में ही अपनी फ्लाइट को जो है रखते हैं। तीसरी जो स्टेज है प्लेग, ये जो है सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्टेज होती है, स्वार्म इन लार्ज ग्रुप्स अप टू ग्रेटर डिस्टेंसेस। इसमें जो है बहुत अधिक संख्या में जो है लोकस एक साथ जो है फ्लाइट करते हैं और बहुत अधिक दूरी तक ये जाते हैं, कभी कभी तो कई राज्यों तक ये एक साथ जो है उड़ जाते हैं, एक देश से लेकर दूसरे देश तक चले जाते हैं, और इस स्थिति को हम जो है प्लेग के नाम से जानते हैं। देखिए फेज थ्योरी जो हम बात कर रहे थे कि ये फेज थ्योरी क्या है, कि ये एक सॉलिटरी जो स्टेज है और जो दूसरी जो ग्रेगेरियस स्टेज है, तो देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, उसमें भी हमने जाना था कि ग्रास ऑपर जो है दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक सॉलिटरी फेज होता है जिसको हम ग्रास ऑपर के नाम से जानते हैं, दूसरा जो इसका जो फेज है वो ग्रेगेरियस फेज होता है जिसको हम लोकस्ट के नाम से जानते हैं। सॉलिटरी फेज में जो इंसेक्ट है, तो ग्रास ऑपर हम कह रहे हैं, उसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, इनके जो है विंग्स बहुत छोटे होते हैं, शॉर्टर विंग्स, लार्जर लेग्स, इनके जो हाइंड लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, नैरो प्रोनोटम, प्रोनोटम जो होता है वो छोटा होता है, पतला होता है, लो मेटाबॉलिज्म, इनकी जो मेटाबॉलिज्म है या जो उनकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो बहुत जो है बहुत कम रेट से चलती हैं, इनका जो ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है, सेलगिस इन नेचर, बहुत ज़्यादा जो है इनएक्टिव होते हैं, एग्जिबिट्स क्रिप्टिक कलरेशन, जिस भी बैकग्राउंड में ये बैठते हैं उसी के अनुसार ये अपने बॉडी के कलर को जो है चेंज कर लेते हैं, इसको हम क्रिप्टिक कलरेशन या कैमोफ्लेज के नाम से भी जानते हैं, कैन नॉट फ्लाई ओनली जंप्स, ये जो है बहुत नहीं उड़ सकते हैं और केवल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर सकते हैं, इसलिए इनको हॉपर्स भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज हॉपर्स। जबकि जो ग्रिगेरियस जो फेज है जो लोकस्ट कहलाती है, इसके ग्रिगेरियस फेज में जब ग्रास ऊपर आता है तो उसको हम लोकस्ट के नाम से जानते हैं, इनका जो प्रोनोटम होता है वो सैडल शेप्ड हो जाता है, इनका जो प्रोनोटम वाला एरिया है जिसको हम शोल्डर के नाम से जानते हैं वो चौड़ा हो जाता है, इनमें जो है हाइंड लिंग जो है या हाइंड जो लेग्स हैं वो छोटी होती हैं, विंग्स आर लॉन्गर, इनके विंग्स जो है बड़े होते हैं और पूरी बॉडी को कवर करते हैं, लिव इन ग्रुप्स, देखिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि लिव इन ग्रुप्स, ये जो लोकस्ट है वो हमेशा समूहों में रहता है, जबकि ये सॉलिटरी एक जो ग्रास ऑपर है वो जो है इंडिविजुअल वे में रहता है, सॉलिटरी होता है ये, इनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसको आप जल्दी से पकड़ नहीं सकते, जबकि ग्रास ऑपर को आप आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि ये सेलगस इन नेचर होता है और इनकी लो मेटाबॉलिज्म होती है, हाई ऑक्सीजन इंटेक काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मे बी ब्लैक और येलो इन कलर, इनका जो कलर है वो सामान्यतः काला या पीला हो सकता है, और ये जो ग्रेगेरियस फेज है या जो लोकस्ट है वो बहुत लंबी जो है उड़ान भरते हैं, इनमें जो है कैमोफ्लोज या क्रिप्टिक कलरेशन नहीं पाया जाता है। देखिए मैकेनिज्म क्या है कि कैसे ये जो है सॉलिटरी फेज से जो है ग्रेगेरियस फेज में चेंज होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है कि इस फिगर को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है इसकी जो फेज ये है उसके बारे में जो है काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए पहला है निम्स एंड एडल्ट ऑफ सॉलिटरी फेज फीट एंड डेस्ट्रॉय वेजिटेटिव एरिया, निम्स या जो एडल्ट होते हैं सॉलिटरी फेज के वो किसी भी जो है नियर बाई जो वेजिटेटिव एरिया या ग्रीन लैंड होते हैं वहाँ पर जो है उसको उनके ऊपर ये फीड करते हैं, ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस देयर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, जिससे इनकी जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने से ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन साइज ऑफ इंसेक्ट फूड रिसोर्सेज गेट लो और फिनिश, जब इनकी पॉपुलेशन साइज जो इंक्रीज करती है तो उस क्षेत्र की जो वेजिटेशन होती है वो या तो खत्म हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है, इस प्रकार मैंने दिखा रखा है कि देखिए ये जो एक कोई ग्रीन लैंड है या कोई फॉरेस्ट एरिया हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये निम्स या एडल्ट हैं सोलिटरी फेज ग्रास ऑपर के जो इस वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहे हैं, देखिए ये जो ग्रास ऑपर हैं ये वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब इनकी ये फीड करते हैं तो
ब्रीडिंग से इनकी पॉपुलेशन साइज जो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अधिक बढ़ जाने से क्या है कि ये यहाँ की जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी या कम होती जाएगी, और कम हो जाने के बाद देखिए स्थिति कुछ इस तरीके की आ जाएगी। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो रिड्यूस हो गई। अब वेजिटेशन रिड्यूस होने से इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये इस स्थान को छोड़कर, क्योंकि अब यहाँ पर जो है फूड रिसोर्सेस कम हो गए हैं, तो अब इन स्थान को छोड़कर ये जो ग्रास हॉपर्स हैं वो दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ पर वेजिटेशन अधिक है। देख रहे हैं ये अब जो ग्रास हॉपर्स हैं वो यहाँ से जो है मूव करेंगे कहाँ पर मूव करेंगे, जहाँ पर फूड रिसोर्सेस इनको ज़्यादा मिलेंगे। टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड दे मूव टू मार्जिनल और न्यू एडजॉइनिंग एरियाज हैविंग न्यू फूड रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड। हियर अगेन देयर पॉपुलेशन साइज गो ऑन इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड बाई विच वेजिटेशन आर बिकम रिड्यूस। देखिए अब ये दूसरे एरियाज में ग्रास हॉपर्स जो चले गए हैं और यहाँ पर भी इनकी जो वेजिटेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ की भी वेजिटेशन जो है कम होने लगेगी। एक पॉपुलेशन साइज देखिए यहाँ भी बढ़ेगा, नए रिसोर्सेज इनको मिले, नए रिसोर्सेज तो जाकर इन्होंने फूड लेना शुरू किया, फूड लेने के लिए इनमें यहाँ पर एकुमुलेट होते गए, एक्यूमुलेट होंगे तो आपस में इनमें ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग होने से यहाँ भी पॉपुलेशन साइज इनकी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन साइज बढ़ जाने के बाद यहाँ का भी जो वेजिटेशन एरिया है या वेजिटेटिव जो 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 ग्रासेस या प्लांट्स या क्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे ये इनको नष्ट करना शुरू कर देंगे। मीनवाइल क्या होगा कि यहाँ पर भी अगर ये वेजिटेशन देखिए धीरे धीरे कम हो जाएगी, और वेजिटेशन कम हो जाने के बाद इस एरिया में फिर से वेजिटेशन जो है ग्रो कर लेगी, तो ये जो पॉपुलेशन है पूरी नए नए जो एरियाज में ये ग्रास ऑपर्स जो डाइवर्ट हुए थे वो फिर से अपने परमानेंट जो है एरिया में वापस आएंगे, और परमानेंट एरिया में वापस आएंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज ही मैंने यहाँ दिखा रखा है, इस एरिया को मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये जो एरिया है वो ये है। फिर देखिए ये जो सारे जो ग्रास ऑपर्स हैं वो अपने परमानेंट वेजिटेशन जो परमानेंट वेजिटेटिव एरिया था वहाँ पर ये मूव कर जाएंगे, और अभी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक जो है बढ़ गई है। पहले देखिए मैं इसको और डिक्टेट कर दूँ यहाँ पर। मीन वाइल द ओल्ड वेजिटेशन एरिया अगेन फ्लरिश एज देयर वाज नो इंसेक्ट देयर द बिग पॉपुलेशन ऑफ निम्स एंड एडल्ट मूव बैक टू देयर परमानेंट फीडिंग साइट। अब देखिए यहाँ से जो नए एरियाज में जो ग्रास ऊपर गए थे वो फिर से धीरे धीरे अपने पुराने जो वेजिटेटिव एरिया में वापस आने लगेंगे। नाउ ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग पॉपुलेशन गो ऑन ऑल टाइम हाई ड्यू टू विच देयर हाइंड लेग्स टच टू ईच अदर वाई विच ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ट्रिगर्स विच एक्टिवेट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड कारपोरा कार्डियका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। इन द देयर इज ग्लैंड नोन एज कारपोरा कार्डियका इन द ब्रेन एंड दिस ग्लैंड सीक्रेट ए हार्मोन नोन एज सेरोटोनिन। दिस सेरोटोनिन हार्मोन नाउ चेंजेज निम्स ऑफ सोलिटरी फेज टू ग्रेगेरियस फेज। यहाँ पर पॉपुलेशन परमानेंट जो लोकेशन इनकी थी वहां पर जब से सारे ग्रास ऑपर्स वापस लौटेंगे तो ये ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो जाएगी। ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन होने से इनकी जो हाइंड लेग्स होती है वो आपस में एक दूसरे से टच करती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब ये इनकी हाइंड लेग्स एक दूसरे को टच करती हैं तो इनके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है कारपोरा कार्डियका, और कारपोरा कार्डियका के पास एक सिग्नल जाता है और वो एक हार्मोन जो है जिसको हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो सोलिटरी फेज जो निम्स या ग्रास ऊपर से वो जो है ग्रेगेरियस लोकस में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस सेरोटोनिन हार्मोन नाउ चेंजेज निम्स ऑफ सोलिटरी फेज टू ग्रेगेरियस फेज।
जैसे ही सेरोटोनिन हार्मोन स्टार्ट होने लगते हैं तो ये जो सॉलिटरी फेज ग्रास ऑपर थे वो धीरे धीरे जो है ग्रेगेरियस लोकस में चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब ये सारे जो लोकस एक साथ उड़ते हैं, वेन दे फ्लाई साइमल्टेनियसली नोन एज स्वार्मिंग, और इसी को फिर हम स्वार्मिंग के नाम से जानते हैं। जब सारे लोकस एक साथ उड़ते हैं तो उसी को हम स्वार्मिंग के नाम से जानते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ह्यूमन बींग्स में भी, इसको हम ह्यूमन बींग्स में हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, और सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये फिगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है, इसी की हेल्प से आप जो है फेज थ्योरी को जो है इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये पिक्चर मैंने ली है इंटरनेट से, इसमें स्वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो दिखाया गया है कि कैसे जो लोकस्ट हैं एक साथ जो फ्लाइट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो रहे हैं, और देखें पूरे इन्होंने स्काई को पूरा कवर कर रखा है, और जब ये नीचे आकर बैठते हैं किसी भी क्रॉप पर तो मिनटों में पूरी पूरी क्रॉप ये खा जाते हैं। तो निश्चित ही आपको ये लोकस्ट की जो फेजेज हैं, सॉलिटरी फेज और ग्रेगेरियस फेज, और लोकस्ट के अंदर जो स्वार्मिंग होती है वो आपको जो है समझ में आई होगी। तो लोकस्ट स्वार्मिंग के लिए जो हार्मोन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है वो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जो कि इंसेक्ट की ब्रेन में कॉर्पोरा कार्डिया का ग्लैंड होती है, वहाँ से ये सीक्रीट होता है। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ उनको ज़रूर आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।